देखो, जब भी आप अपने बिजनेस को दूसरों की मदद करके कामयाब करना चाहते हो, जैसे मैंने अपने फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प ब्लॉग से शुरू किया था, तो उसमें आपकी कुछ लिमिटेशन होने चाहिए। क्या होता है कि देखो, जब आप दूसरों की मदद करने जाते हो, कुछ बंदे ओरिजिनल होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है, और बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं वहां पे, तो वहां पे आपकी लिमिट आपको तय करके चलनी है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं ब्लॉगिंग में शुरू किया था, तो मैंने एक लिमिटेशन अपनी बांध ली थी कि मेरे को लोगों की मदद करनी है, लेकिन मेरे को लोगों की मदद वहीं तक करनी है जहां तक मेरा लॉस ना शुरू हो, मतलब मेरा फाइनेंशियल लॉस ना शुरू हो, मेरे टाइम का लॉस ना शुरू हो। इसीलिए मैंने कभी भी फिजिकली किसी की मदद करने के लिए उसकी लोकेशन पे जाने की कोशिश नहीं करी। मैं एक्चुअली उनको टेलीफोनिक या मेल से एडवाइस देता रहा। हमेशा ही मैंने वो किया कि जहां पे मेरा टाइम का लॉस या फिर मेरा पैसे का लॉस ना शुरू हो, क्योंकि देखो, किसी को एडवाइस करना, 5-10 मिनट देना आपके टाइम का लॉस नहीं है। उस वक्त मेरे पास टाइम भी बहुत होता था, तो वो मैं बियर कर सकता था। लेकिन जहां पे कुछ बंदे ऐसे आते हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, फिर तो वहां पे आपको एक लिमिट बांध के चलनी है। जब भी आप उस तरह की मार्केटिंग में आते हो, उस तरह के वे में आते हैं कि भाई आपने पहले देना है, आप रिटर्न में कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हो, लेकिन देखो क्या होता है कि डेस्टिनी अपने आप आपको रिटर्न में दे देती है। मेरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस तरह की मार्केटिंग में भी मैं आपको कहता हूँ कि आपको आना चाहिए। आप जब दे रहे हो, मदद कर रहे हो लोगों की, तो आपको रिटर्न में तो मिलता है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं करनी है। लेकिन वहां पे एक लिमिट अगर आप बांध के चलोगे, तो आपको बहुत टाइम वहां पे बच जाएगा। बहुत पर्सन ऐसे आए जो आपका यूज करना चाहते थे, लेकिन फिर आप जब अपनी लिमिट को ध्यान में रख के चलते हो, तो फिर वो आपका यूज नहीं कर पाते। जिनकी आप मदद करना चाहते हो, तो उनकी मदद हो जाती है, और जो आपका यूज करना चाहते हो, उनसे आप प्रिवेंट कर जाते हो। तो एक लिमिटेशन यहाँ पे आपको बांध के चलनी है, जब आप उस तरह जाना चाहते हो जहां आप मदद करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो।